बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सप्ता नेटवर्क में आप सबको खुश आमदीद। कल इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। जब वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरे तो उनका इस्तकबाल आर्मी चीफ कमर बाजवा ने किया। उसके बाद इमरान खान और आर्मी चीफ पाक फौज के जवानों से मिले और उनसे मुसाफा भी किया। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर का दौरा किया। उसके बाद बिलाल अकबर ने इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर वजीर दिफा और कश्मीर कमेटी के मेंबर शाह महमूद कुरैशी उनके साथ मौजूद थे। इमरान खान को इंडिया की वो पोस्टें भी दिखाई गईं जहां से वो लोग बेवक्त फायरिंग करते रहते हैं। इमरान खान और आर्मी चीफ उसके बाद बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से भी मिले और उनके जज्बे को उन्होंने सराहा और उनको हर मुमकिन मदद की फराहमी को यकीन बनाने को कहा। उसके बाद इमरान खान ने आर्मी के जवानों से भी खिताब किया और उनके हौसले को सराहा। इस दौरे के बाद इंडियन मीडिया में एक शदीद लहर दौड़ गई और तमाम इंडियन मीडिया आग बगुला हो गया। मैं तो ये कहूँगा शायद वो पागल हो गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कमर बाजवा के दौरे पर। उन्होंने तरह तरह की केस राइयाँ शुरू कर दी। शायद उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और कमर बाजवा बॉर्डर पर हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गए थे। शायद ये ताकत और हिम्मत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके आर्मी चीफ में नहीं है, जब ही वो सिर्फ दिल्ली से ही अपना हुक्मनामा इंडियन फौज को जारी करते रहते हैं। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।